नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ। एक लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखा है मोदी जी और बताया कि उन्हीं के विजन पर पिछले 10 साल से सरकार चला रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं। अब कर्पूरी ठाकुर साहब का विजन समझना हो तो यशवंत सिन्हा साहब से बेहतर कोई हो नहीं सकता। और मोदी जी उनके विजन पर कितना चल रहे हैं ये भी यशवंत सिन्हा साहब से बेहतर कोई नहीं बता सकता। अटल जी के सरकार में वित्त मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे और इस वक्त न्यूज लॉन्चर पर एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए खुद यशवंत सिन्हा साहब मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, एक पुरोधा, सामाजिक न्याय के पुरोधा हम तो मानते हैं कर्पूरी ठाकुर जी। हर दौर में कोई महानव आते हैं सामाजिक न्याय के लिए, ऐसे ही एक महानव भारत रत्न दिया गया, हम सब स्वागत करते हैं, पूरा देश स्वागत करता है। लेकिन इस भारत रत्न की टाइमिंग और क्या ये भारत रत्न जो दिया गया है, दुनिया भर में एक आर्टिकल घूम रहा है, वायरल हो रहा है, गोदी मीडिया लगातार उस आर्टिकल को दिखा करके मोदी जी और कर्पूरी ठाकुर की समानता बता रही है। आपने सबसे करीब से कर्पूरी ठाकुर को देखा और आपने उतने ही करीब से मोदी जी को भी देखा, कितनी समानता आपको नजर आती है मोदी जी में और कर्पूरी ठाकुर? देखिए, मैं कर्पूरी जी को बहुत नजदीक से जानता था। जब मैं IAS में नौकरी करता था बिहार का गढ़ में, तो पुरी जी ने मुझे अपना, जब वो मुख्यमंत्री बने तो मुझे अपना प्रधान सचिव नियुक्त किया। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि उसके पहले मेरी और कर्पूरी जी की कभी मुलाकात नहीं हुई थी। व्यक्तिगत रूप से कर्पूरी जी मुझे नहीं जानते थे। अगर उन्होंने मुझे अपना प्रधान सचिव बनाया तो कुछ सोच समझ कर ही बनाया होगा। और आप जानते हैं कर्पूरी जी की एक बहुत बड़ी खूबी थी कि वो कट्टर ईमानदार थे। आजकल कट्टर ईमानदार की उपाधि कुछ लोग दावा कर रहे हैं, लेकिन कर्पूरी जी कट्टर ईमानदार थे और इसीलिए वे कट्टर ईमानदार पदाधिकारी की खोज कर रहे थे। और मेरे से जान पहचान नहीं होने के बावजूद मैं समझता हूँ कि मेरी जो छवि थी उसी के आधार पर उन्होंने मुझे अपना प्रधान सचिव नियुक्त किया। जब मैं प्रधान सचिव बन गया तब मैं पहली बार उनके पास गया और बहुत भीड़ लगी हुई थी चारों तरफ। कर्पूरी जी बराबर लोगों से घिरे रहते थे, तो बड़ी मुश्किल से हमारी उनकी मुलाकात हुई। और मैंने उनको कहा शुद्ध हिंदी में कि सर, मेरा नाम यशवंत सिन्हा है, मैं ही आपका प्रधान सचिव नियुक्त हुआ हूँ। तो खैर, उसके बाद से कर्पूरी जी के बहुत निकट आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमें बहुत निकट से काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी आपने एक बात कही कि मैं जितने निकट से कर्पूरी ठाकुर को जानता था उतने ही निकट से मैं मोदी जी को जानता हूँ। मैं इससे सहमत इसलिए नहीं हूँ कि मैं कर्पूरी जी को बहुत ही निकट से जानता था, मोदी जी को मैं उतने निकट से नहीं जानता हूँ। मोदी जी को मैं जानता हूँ, उतने निकट से नहीं जानता हूँ। तो दोनों के बारे में आपने मुझसे पूछा कि क्या, कैसे तुलनात्मक अगर कोई बात की जाए तो क्या करेंगे। कर्पूरी ठाकुर के बारे में आपने सुना होगा एक कहानी कि मीटिंग हो रही थी, वो फटा हुआ कुर्ता पहन के चले गए और चंद्रशेखर जी ने जब लोगों से चंदा इकट्ठा करके और उनको कुर्ता खरीदने के लिए पैसा दिया तो उस पैसे को भी उन्होंने मुख्यमंत्री को उसमें डाल। तो कर्पूरी जी ने कभी इसकी चिंता नहीं की कि किस तरह के कपड़े वो पहनते हैं। एक मामूली सा उदाहरण है शायद ये। और मुझे याद है कि कई बार ऐसा होता था कि उनको हम लोग पकड़ कर ले जाते थे कहीं पटना के आसपास किसी रेस्ट हाउस में, गेस्ट हाउस में, ताकि उनसे हम काम करवा सके। जो फाइलें जमा हो जाती थी मुख्यमंत्री सचिवालय में उसका निष्पादन हो सके।
तो कर्पूरी जी के साथ हम लोग काम करते रहते थे, फाइलों पर सिग्नेचर होता रहता था, फाइलों की संख्या कम होती रहती थी लेकिन बहुत फाइल होती थी। थके मादे बेचारे कर्पूरी जी कभी कभी सो जाते थे, जब वो सो जाते थे तब हम लोग उनको छोड़ते थे, हम लोग अपने अपने घर जाते थे और उसी रेस्ट हाउस गेस्ट हाउस या जहां पर भी हम लोग काम करते होते थे वहां पर वो रात को सो जाते थे, उन्हीं कपड़ों में, जो कपड़े पहन के गए थे उन्हीं कपड़ों में सो जाते थे। कपड़ा क्या था, धोती कुर्ता, जाड़े का दिन होता तो एक बंडी, तो उसमें सो जाते थे। रोज दूसरे दिन सुबह उठ के उन्हीं कपड़ों में वो आ जाते थे ऑफिस। अब कपड़ों का क्या महत्व है आदमी के जीवन में, वो चरित्र को कैसे दर्शाता है, इस पर बहुत शोध हुआ है और बहुत इस पर साहित्य भी है, बहुत टिप्पणियां भी हैं। तो कंपेयर करने में मुझे तो ऐसे ही लगता है कि भाई मोदी जी को देखने से लगता है कि मोदी जी कपड़ों के बहुत शौकीन हैं, कर्पूरी जी बिल्कुल ही शौकीन नहीं थे। कर्पूरी जी, मोदी जी का लेख मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि उनको कर्पूरी जी को जानने का मिलने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ था, तो वो शायद दूर से ही जानते हैं उनको, जो कुछ लिखा होगा उनके बारे में या लोगों ने बताया होगा। तो उनकी जो धारणा है कर्पूरी जी के बारे में और मेरी जो धारणा है कर्पूरी जी के बारे में निकट से जानने के बाद, उसमें अंतर है। और मैं इतना ही कहूंगा, दो व्यक्तित्वों को कंपेयर करना शायद ठीक भी नहीं होता है, क्योंकि दो अलग अलग काल में रहते हैं, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग चुनौतियां होती हैं। तो इसलिए मोदी जी को मैं एक महामानव मानता, मोदी जी को मैं कह रहा हूँ, कर्पूरी ठाकुर को मैं एक महामानव मानता हूँ। बहुत कम लोग हमको ऐसे मिले हैं जीवन में जिनसे मैं उतना प्रभावित हुआ जितना मैं कर्पूरी जी से प्रभावित हुआ। सर, कर्पूरी जी ने जिसे चुना, कट्टर ईमानदार आपके शब्दों में, जिसे जिस ईमानदार शख्स को चुना अपने प्रधान सचिव के लिए, मोदी जी ने उसी कर्पूरी ठाकुर के चयन को 2022 में चुनौती दे दी, जब आपको विपक्ष ने संयुक्त रूप से राष्ट्रपति पद के लिए उतारा, तो मोदी जी उसी कर्पूरी ठाकुर के चयन के खिलाफ थे। फिलहाल मैं एक और चीज समझना चाहता हूं। आज लेख में था कि कैलाशपति मिश्रा जी से समझा उन्होंने कर्पूरी ठाकुर को, जबकि कैलाशपति मिश्रा जी का एक मैं आर्टिकल आज ही अखबार में देखा, वो आर्टिकल था, उसमें था कि कैलाशपति मिश्रा जी कर्पूरी फॉर्मूला, जो आरक्षण का फॉर्मूला था 1978 का, उसमें कर्पूरी फॉर्मूले में कर्पूरी शब्द उनको हजम नहीं हो रहा, थोड़ा सा मतलब कड़वी टिप्पणी है, लेकिन कर्पूरी शब्द नहीं हजम हो रहा, तो कहे कर्पूरी फॉर्मूला नहीं है ये शांति भूषण फॉर्मूला, इसको कहना है तो कह लीजिए आप। तो जिससे सुन करके उन्होंने विजन लिया है कर्पूरी ठाकुर का, वह कैलाशपति मिश्रा साहब खुद ही कर्पूरी ठाकुर को जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे, उनको और उनके नाम को हजम नहीं कर पाते थे। क्या ऐसे व्यक्ति के विजन से वो कर्पूरी ठाकुर को समझ पाए होंगे मोदी जी? देखिए, कैलाशपति मिश्रा जी कर्पूरी जी की सरकार में वित्त मंत्री थे और मुझे अनेक ऐसे उदाहरण मालूम है जहां पर कि कर्पूरी जी और कैलाश जी में राय में एका नहीं था, मतभेद हो था। और आपको याद होगा कि कर्पूरी जी की सरकार गिरी ही इसी कारण कि जो विभिन्न घटक थे उस समय जनता पार्टी में, उसमें एक जनसंघ का घटक था, एक कांग्रेसों का घटक था और एक समाजवादियों का घटक था। तो कर्पूरी जी समाजवादियों के घटक के एक सदस्य थे और उनकी सरकार गई क्योंकि कांग्रेस ओ और जनसंघ का जो घटक था वो दोनों एक हो गए और कर्पूरी जी के को लोगों ने उनके लिए समस्याएं पैदा करना शुरू कर दी। तो कर्पूरी जी ने आजीज आकर तय किया कि वो एक विश्वास मत, जो जनता पार्टी लेजिस्लेचर पार्टी थी, विधायक दल था,
उसमें वो विश्वास मत पेश करेंगे और उनका विश्वास हासिल करेंगे। मुझे याद है वो दिन जब कर्पूरी जी सदाकत आश्रम में ये मीटिंग हो रही थी, ने विश्वास मत पेश किया और विश्वास मत पारित नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस ओ के जो लोग थे और जनसंघ घटक के लोग थे, ये दोनों कर्पूरी जी के खिलाफ इकट्ठे हो गए और समाजवादी जो थे वो अलग थलग पड़ गए, अल्पमत में आ गए। और उसके बाद वहां से कर्पूरी जी सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय आए और उन्होंने मुझसे कहा कि यशवंत जी, मुझे खबर तो मिल ही गई थी कि विश्वास मत आते हैं, सो मैं जा रहा हूँ राजभवन, इस्तीफा का मेरा एक प्रारूप तैयार कर दीजिए, जो हम लोगों ने आनंद फानन में मुख्यमंत्री सचिवालय में तैयार किया, जिसको लेकर कर्पूरी जी राज्यपाल के पास गए और अपना इस्तीफा दिया। तो मतभेद थे, मतभेदी के चलते उनकी सरकार ही चली गई। और इसलिए ऐसा कहना कि कैलाशपति मिश्रा जी, उनके लिए मेरे दिल में बहुत श्रद्धा है, लेकिन कैलाशपति मिश्रा जी जो कर्पूरी जी को जैसे समझते थे वही सही समझती कर्पूरी जी के बारे में, इससे मैं सहमत होने में असमर्थ हूँ। सर अभी आपने एक बात कही, मैं आज आर्टिकल पे चाहता हूँ कि उस आर्टिकल का पोस्टमार्टम थोड़ा सा भले कठोर शब्द हो जाए, आर्टिकल में आधा सच मैं कहता हूँ, आधा सच है, आधा सच वहां पर जहां पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस से दूरी बना करके सदा रखी कर्पूरी ठाकुर साहब। अभी आपने चर्चा कर दी, सरकार गिराने वाले जनसंघ के लोग भी थे, कर्पूरी ठाकुर का कांग्रेस को और जनसंघ, इन दोनों ने विड्रॉ किया था उनके खिलाफत की, कर्पूरी ठाकुर की। तो मोदी जी इस आर्टिकल में, इसीलिए मैं पॉलिटिकल इसको कह रहा हूं कि पॉलिटिकल पूरा का पूरा आर्टिकल ये कर्पूरी ठाकुर के सम्मान में ना होकर के राजनीतिक आलेख नजर आता है, जहां पर उन्होंने लिखा कि कांग्रेस से सदा दूरी बना करके रखी। क्या आपके इस जो आपने झलक दी अभी पिछले जवाब में, उसी को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्या जनसंघ के धोखे का शिकार नहीं हुए हैं कर्पूरी ठाकुर जी, जिसको आलेख में छिपा लिया गया, मोदी जी ने इस सच को नहीं दिखाया है, हम चाहते हैं जनता के सामने आए ये भी सच। देखिए, अगर जनसंघ ने राष्ट्रीय स्तर पर नहीं तय किया होता कि वो समाजवादियों को अलग थलग करेगी और समाजवादी मुख्यमंत्री, जहां जहां जनता पार्टी के समाजवादी घटक के मुख्यमंत्री है, उनको अपदस्थ करेगी, तो कर्पूरी ठाकुर के हारने का सवाल ही नहीं था। ये जनसंघ ने तय किया और कांग्रेस ओ का साथ लिया, कांग्रेस ओ आपको याद है ना, उसमें कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन करके एक पार्टी दी थी, तो उन्होंने लिया कांग्रेसों का सहारा और इसी में उन्होंने समाजवादियों को बिल्कुल ही अलग थलग किया और समाजवादियों को, उन्होंने बिहार में समाजवादी मुख्यमंत्री थे कर्पूरी ठाकुर, उनको अपदस्थ किया, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे वो भी समाजवादी थे, उनको अपदस्थ किया और देश भर में जहां जहां वो खेल खेल सकते थे वहां पर ये खेल खेला उन्होंने। लेकिन हम लोगों का ज्यादा ताल्लुक इस समय कर्पूरी ठाकुर के साथ है। मैं मानता हूं कि मेरी उस समय का जो अनुभव रहा कि कर्पूरी जी ने जब सामाजिक न्याय के सिद्धांत को आगे बढ़ाने के लिए बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन को लाया, तो जनसंघ के लोग उससे खुश नहीं थे, वो उनके मन के मुताबिक वो काम नहीं हुआ, लेकिन कर्पूरी ठाकुर बिल्कुल ही आमादा थे कि वो ये सामाजिक न्याय के लिए ये कदम उठाएंगे और सारे विरोध के बावजूद उन्होंने ये कदम उठाया। देश में पहला, वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा करके दिखाया और उन्होंने ही पिछड़े वर्ग में भी अति पिछड़ा की श्रेणी बनाया उस समय। तो कर्पूरी जी का जो दृष्टिकोण था वो बहुत ही व्यापक था, उन्होंने जो काम किया उसका असर देश भर के ऊपर पड़ा और देश की राजनीति बराबर के लिए प्रभावित हुई कर्पूरी जी के इस कदम से, लेकिन उसमें उनको साथ नहीं मिला जनसंघ घटक का। तो अगर मोदी जी की समझ कर्पूरी जी की जो है
क्योंकि खुद तो मिले नहीं, खुद तो जानते नहीं है उनको। तो अगर कैलाशपति मिश्रा जी के दृष्टिकोण से उन्होंने कर्पूरी जी को समझा है तो मुझे लगता है कि शायद समझने में कुछ गलती हुई होगी। एक सवाल उसी लेख से, सामाजिक समरसता को लेकर के मोदी जी ने बहुत कुछ फॉलो करने की कोशिश की है कर्पूरी ठाकुर साहब को, विनम्रता और सामाजिक समरसता, ये दो शब्द अपने आप में बहुत बहुत बड़ा विषय है। दोनों शब्द सामाजिक समरसता और विनम्रता, विनम्रता व्यक्ति अब व्यक्तिगत हो गई लेकिन सामाजिक समरसता व्यक्तिगत नहीं है, उससे तो पूरा समाज जुड़ा हुआ है एक व्यक्ति के इस विचार से। इन दोनों में कितनी समानता नजर आती है, सामाजिक समरसता कर्पूरी ठाकुर की, और क्योंकि मुझे वो याद है एक अभी आपने किस्सा, आपसे मुझे किस्से भी कुछ सुनने हैं कि एक बार पिताजी को उनके गांव में कर्पूरी ठाकुर के पिताजी को कुछ ऊंची जाति के लोगों ने कुछ अभद्रता कर दी उनके साथ, जो वहां के डीएम थे, आप तो नौकरशाही में रहे हैं, डीएम थे वो लाव लश्कर के साथ गांव गए और कर्पूरी ठाकुर ने मना कर दिया कि कोई कार्रवाई किसी पे नहीं होगी, वो मेरे पिता हैं इसलिए कार्रवाई करोगे। ऐसे तो तमाम गांव में हमारे पिता जैसे तमाम पिछड़े अति पिछड़े और दलित लोग हैं जो रोज ऐसे अपशब्दों का शिकार होते हैं ऊंची जाति के लोगों से, तो सिर्फ मेरे पिताजी के लिए एक स्पेशल ट्रीटमेंट की उनके ऊपर हुई है भद्र टिप्पणी ओछी टिप्पणी तो उस पर कार्रवाई हो, ये तो पूरे प्रदेश के जो है गरीब वंचित पीड़ित वर्ग को बचाने का विषय है। तो एक तरफ वो सामाजिक समरसता और विनम्रता दोनों की झलक दिखती है, उस झलक को कितना आप देख पाते हैं, आप मोदी को उतने करीब से नहीं देखें लेकिन फिर भी भाजपा में आपने अटल जी के युग को पूरा जिया है, अटल जी के युग को आपने जिया है, सिर्फ पद पे नहीं रहे आपने जिया है, हम लोग उस दौर को याद करते हैं। और उसी भाजपा में उसी सीरीज में उसी श्रृंखला में आगे मोदी युग आया, तो कम से कम करीब से भले नहीं लेकिन उसको जिया है आपने, उस दौर को भी उस भाजपा को भी जिया है, तो उसमें क्या समानता और क्या विषमता नजर आती है आपको, समरसता सामाजिक समरसता इस पर तो बहुत महत्वपूर्ण है आपकी टिप्पणी सामाजिक समरसता पर। देखिए कर्पूरी जी विनम्रता की बात आपने की है, कर्पूरी इससे ज्यादा विनम्र व्यक्ति मैंने जीवन में नहीं कभी देखा है, मतलब विनम्रता की हद जिसको कहते हैं वो कर्पूरी ठाकुर हद थी, मतलब उतना विनम्र व्यक्ति कि वो सही होते हुए अगर कोई उसको उनको कहे कि आप गलत हैं जोर से बोल दे तो हाँ जोड़ के बोलते हाँ आप सही बोल रहे हैं, इस तरह का विनम्र व्यक्ति जिसमें ईगो नाम की कोई चीज ही नहीं थी। और आपने जो उदाहरण दिया कि वो जहां तक मुझे ज्ञात है कि कर्पूरी जी मैट्रिक की परीक्षा दिए उसमें फर्स्ट डिवीजन में उत्तीर्ण हुए, तो उन नचली उनके जो फादर थे उनको बहुत गर्व था कि उनका बेटा फर्स्ट डिवीजन में मैट्रिक की परीक्षा पास किया, तो वो उनको लेकर गए कर्पूरी जी को वहां के जमींदारों के पास, गांव के जमींदारों के पास, और उन्होंने कहा कि ये हमारा बेटा है कर्पूरी, इसने मैट्रिक की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पाया है तो मैं आप लोगों के पास लाया हूँ। तो उन लोगों ने कहा कि अच्छा बेटा है फर्स्ट डिवीजन में पास हुआ है, उसमें एक व्यक्ति ने अपनी टांग टेबल पर रख दी और जोर से डांट कर कर्पूरी जी कहा दबाओ पांव मेरा, और कर्पूरी जी ने उसके पांव को दबाया, ये विनम्रता थी उनकी। कर्पूरी जी कभी भी किसी से उनका मेरे ख्याल में मेरे जानने में कभी भी ऐसा मौका नहीं आया जिसमें कि व्यक्तिगत किसी कारणवश उनका झगड़ा हो गया हो। तो एक बार का मैं आपको और अवसर बताता हूं कि हम लोग सचिवालय में गए थे, अचानक कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि अरे यशवंत बाबू हमको कहीं जाना है, उनकी गाड़ी कहीं तेल लेने या कहीं कुछ और करने चली गई थी तो गाड़ी नहीं, तो उन्होंने कहा तुरंत रिक्शा मंगाइए। तो सचिवालय में रिक्शा आके खड़ा हुआ और कर्पूरी जी को जब पता उनको बताया गया रिक्शा आ गया है तो वो नीचे फटाफट उतरे, मैं भी उनके साथ उतरा, कोई उनको सी ऑफ करने वाला नहीं था, एक तरफ खड़ा था कर्पूरी जी रिक्शे में बैठे और उन्होंने हम ही को प्रणाम किया
और मैंने भी उनको प्रणाम किया और दूसरी तरफ से आके रिक्शे में बैठ गया, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि वो अकेले रिक्शे में जाए जहां जाना था उनको। तो विनम्रता की तो हद थी ना ये, कि अपने प्रधान सचिव जो खड़े हैं उनको प्रणाम करके और कहीं के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। कर्पूरी जी, जैसा मैंने कहा कि विनम्रता की हदों के बियॉन्ड थे। और अब आप मुझसे कहवाइए मत कहवाइए, लेकिन हम लोग सब देख रहे हैं कि आज क्या है। नहीं, आप कहिए सर, हम चाहते हैं आप कहें। इस दौर में आप नहीं कहेंगे तो कहेगा कौन? अटल जी के बारे में आपने कहा, अटल जी के बारे में मेरी राय आप जानते हैं, मैं उनको बहुत बहुत बड़ा इंसान मानता हूं। और मुझे खुशी इस बात की बहुत आज विशेष है कि दो लोगों के साथ जो मैंने बहुत निकट से काम किया, वो दोनों लोग भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किए गए, अटल बिहारी वाजपेयी और कर्पूरी ठाकुर, रिचली डिजर्व्ड। और अटल जी के साथ काम करने में, आप जानते हैं अटल जी कपड़े पहनने के बहुत शौकीन नहीं थे, लेकिन अच्छे कपड़े पहनते थे। मोदी जी से मुकाबला नहीं कर सकते हैं, लेकिन अच्छे कपड़े पहनते थे, एक ड्रेस सेंस जिसको कहते हैं वो उनको था, कर्पूरी जी में नहीं था। कर्पूरी जी तो जिस कपड़े में सोते थे रात को, उसी उन्हीं कपड़ों में वो ऑफिस आ जाते थे। और ये समाजवादियों की पुरानी एक आदत थी। जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में आपने सुना होगा, लोग अगर गलती से वो कपड़ा आयरन किया होता था तो जॉर्ज लेट के उसको आयरन को ध्वस्त करके तब उस कुर्ते को पहन गया। तो ये था समाजवादियों में, ये था हाथ में किताब, एक मलिन कुर्ता, कुचला हुआ कुर्ता पजामा, ये पहन के वो निकलते थे। कर्पूरी जी भी उसी स्टॉक्स निकले थे। तो इसलिए कर्पूरी जी विनम्र थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी विनम्र थे। कर्पूरी जी कपड़ों के बारे में उन्होंने कभी कोई चिंता नहीं की। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो थोड़ी बहुत चिंता करते थे, लेकिन इतनी चिंता नहीं करते थे कि पानी में डुबकी लगाते हुए कौन सा कपड़ा होगा, निकलते हुए कौन सा कपड़ा होगा, घाट पर कौन सा कपड़ा होगा, ऑफिस में कौन सा कपड़ा होगा, हवाई जहाज में कौन सा कपड़ा होगा। दिन में 10 बार 15 बार वो कपड़े नहीं बदलते थे। तो इस दौर में मैं चाहता इसलिए हूं, इस दौर में खामोशी है, और कई बार कहते हैं कि जो खामोश है आने वाली नस्लें आने वाली पीढ़ियां उन्हें भी माफ नहीं करती। लोग खामोश हैं, आप बड़े मुखर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं इस दौर में पिछले एक दशक में जिन्हें हमने देखा कि जिन्होंने अपने दिल की बात जुबान पर लाने में जरा भी संकोच नहीं किया, जरा भी झिझके नहीं, उनमें से एक आप, इसीलिए हम आपको जोड़ना चाहते हैं। इस दौर में सियासी लाभ के लिए जो महापुरुषों को उधार लेने की परंपरा है, मैं उसी कड़ी में कर्पूरी ठाकुर को भी जोड़ता हूं। कर्पूरी ठाकुर के विचार और मोदी जी के विचार, ये दोनों दो ध्रुव के समान है, जिनमें साम्यता तो बहुत दूर की बात है, वो एक दूसरे के निकट भी कोई संपर्क में भी नहीं आते। ऐसे में ये कदम, मोदी जी का जो कदम है, इसको मैं सियासी मायनों में समझना चाहता हूं। सियासी मायनों में मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक, इसे गोदी मीडिया बता रही है, क्या ये मास्टर स्ट्रोक है या ये नीतीश कुमार और लालू यादव, इस भारत रत्न का श्रेय इनडायरेक्टली मैं इन दोनों को भी देता हूं कि इनके दबाव की वजह से जो बिहार वाटरलू बनता नजर आ रहा था उससे पार पाने की एक जुगत है। देखिए, कई लोग हैं गोदी मीडिया को छोड़कर, आपके जैसे साहसी पत्रकार, जो इसमें राजनीति देख रहे हैं और सही देख रहे हैं कि इसमें राजनीति है। ये दूसरी बात है कि कर्पूरी जी की 100वीं जयंती है और उनका एक ये अवसर आया जिसमें कि उनके लिए कुछ किया जा सकता था, तो मोदी जी ने उनको भारत रत्न की उपाधि दी। एक तरफ तो कर्पूरी जी
रिचली डिजर्व करते हैं भारत रत्न, इसलिए वो किया गया तो बहुत अच्छा कि उनको भारत रत्न की उपाधि दी गई। लेकिन इसमें अगर कहीं कोई राजनीतिक राजनीत है, कोई राजनीतिक मंशा है, तो वो इससे सफल नहीं होगी। वो इससे सफल इसलिए नहीं होगी कि कर्पूरी जी स्वयं अपने जीवन में हार जीत देखते रहे हैं, चुनाव में कभी जीते कभी हारे। ऐसा तो नहीं था ना कि कर्पूरी जी जो भी चुनाव लड़े उसमें जीत गए। और सबसे बड़ी बात जो है कि कर्पूरी जी ने सामाजिक न्याय के संग्राम को आगे बढ़ाया, बिहार में उसको लागू किया, लेकिन अपनी ही पार्टी के अंदर हार गए विश्वास मत, इसके चलते उनको मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। और उसके बाद 1980 का जो चुनाव हुआ उसमें भी कर्पूरी जी हार गए। तो जो लोग ये समझते हैं कि सामाजिक न्याय के बेसिस पर वो कुछ नया शगुफा छोड़ेंगे और कर्पूरी जी को भारत रत्न देने से उनको राजनीतिक लाभ होगा, तो मैं इतना ही कहूंगा कि बहुत नादानी की बात यह है, बहुत ना। जब कर्पूरी जी को स्वयं लाभ नहीं हुआ तो भारत रत्न देने वालों को कैसे लाभ हो जाएगा। लेकिन एक एक सवाल सर और है, आज तक अब तक हमने राजनीति को 90s से देखे, जब से मंडल के दौर से, मंडल सियासत में दो अलग अलग पक्ष खड़े रहे, एक तरफ मंडल तो एक तरफ कमंडल। कभी राजनीति ऐसे स्थिति में नहीं भारत की आई कि एक ही व्यक्ति के एक हाथ में कमंडल हो और एक हाथ में मंडल। क्या वो वक्त आ गया है कि अब हमारे राजनीति के जो महानायक है इस समय पर्दे पर अवतरित महानायक, वो महानायक एक हाथ में कमंडल लिए हुए हैं। 22 जनवरी को रामलला अवतरित हो गए, प्राण प्रतिष्ठा हो गई और ऐसे लगा कि रामलला पहली बार रोम रोम में राम वाले देश में पहली बार राम अवतरित हो रहे हैं, राम इसके पहले थे ही नहीं, आभास यही हुआ। तो एक तरफ कमंडल है और वो कमंडल के इस्तेमाल में ये पार्टी और पार्टी का आज का नेतृत्व ये सब पूरी तरह से एक्सपर्ट है, विशेषज्ञ हैं। दूसरे हाथ में क्या कर्पूरी ठाकुर के जरिए ये मौका तलाशा है माननीय मोदी जी ने कि एक हाथ में मंडल था अब दूसरे हाथ में कमंडल, और अगर मंडल और कमंडल दोनों दोनों हाथ में बैलेंस करके संतुलन के साथ मोदी जी संभाल पाए तो इस देश के लिए आने वाला कल कैसा नजर आता है आपकी नजर। देखिए, पहली बार मोदी जी ने हाथ में मंडल नहीं लिया है, कमंडल शुरू से है, लेकिन मंडल को पहली बार उन्होंने हाथ में नहीं लिया है। आपको होगा कि शायद मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कई बार जोर देकर यह बात कही है कि वो ओबीसी हैं, पिछड़े जाति के, जाति से आते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। देश का प्रधानमंत्री अपनी जात को बताए, ये बड़ा अजीब सा लगता है भारत जैसे देश में भी जहाँ बहुत कुछ राजनीति जात के आधार पर होती है, लेकिन प्रधानमंत्री को कहना कि मैं फला जात का हूँ, मैं ओबीसी हूँ, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, वो ये जो है वो आइडियोलॉजी की पॉलिटिक्स नहीं होती है, वो आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स होती है। तो आइडेंटिटी के पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने ये कहा है कि मैं ओबीसी हूं, और उसी को आगे बढ़ाने के लिए वो, अगर कर्पूरी जी को उन्होंने भारत रत्न दिया है तो मैं निसंकोच इस बात को कह सकता हूं कि इसको, इससे उनको राजनीतिक लाभ नहीं होगा, क्योंकि जो सचमुच मंडल है वो नकली मंडल को क्यों स्वीकार करेंगे। मंडल क्योंकि मंडल था, उसके जवाब में कमंडल आया, तो दोनों में जो विरोधाभास है वो देश की जनता समझती है। आडवाणी जी की रथ यात्रा जो थी वो मंडल को शांत करने के लिए थी, मंडल से ध्यान बटाने के लिए थी, जब वीपी सिंह ने मंडल का सहारा लिया था।
तो इसलिए ये दोनों अगर हाथ में कोई पकड़ भी ले तो सामंजस्य बैलेंस नहीं बना पाएगा, एक ने एक गिर जाएगा। और दूसरी बात जो ये है कि पहली बार ऐसा उन्होंने नहीं किया है, अपने को ओबीसी का सदस्य बनाते समय उन्होंने कई बार ये संकेत दिया है कि वो मंडल है, मंडल में विश्वास करते हैं, लेकिन देश जनता ने उसको स्वीकार नहीं किया। एक आखिरी टिप्पणी जो मुझे, मैं व्यक्तिगत रूप से जितना समझने की कोशिश करता हूं तो मुझे लगता है मंडल डेमोक्रेसी को ग्रास रूट लेवल तक लेके गया और जाता है, जड़ों तक पहुंचाता है मंडल, मंडल यानी आइडियोलॉजी, जिस आइडियोलॉजी की आपने बात, और कमंडल हमेशा डेमोक्रेसी की जड़ों पर प्रहार करता है। कमंडल की राजनीति जिस दौर में है, आपको भारत का, इस देश का लोकतंत्र कैसा भविष्य में नजर आता है, ये जरूरी है आज समझना। देखिए, लोकतंत्र पर, भारत में लोकतंत्र पर बराबर प्रहार होते रहे हैं, ये पहला मौका या युग नहीं है जब भारत का लोकतंत्र कमजोर हुआ है। लेकिन भारत के लोकतंत्र में एक लचीलापन है, और वो उस लचीलेपन की वजह से भारत का लोकतंत्र हर खतरे का मुकाबला कर लेता है और सर्वाइव करता है, वो उसका शिकार नहीं बनता है, वो सर्वाइव करता है। और मुझे पूरा विश्वास है इस बात में कि अभी हम लोग जितनी भी चिंता कर रहे हैं, जो सही चिंता है कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, लोकतंत्र में वो लचीलापन है, वो ताकत है कि फिर वो तनकर खड़ा हो जाएगा और जो करना चाहते हैं उनको ऐसा करने से रोकेगा, सफलतापूर्वक रोक लेगा। लेकिन कमंडल को तो हम लोग सब जानते हैं, मंडल के बारे में आपने जो बात कही कि शायद पहली बार इस देश में ऐसा हुआ कि मंडल की वजह से जो सचमुच में डिप्राइव्ड जिसको कहते हैं, जो क्लासेस थे, जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे, जो बैकवर्ड थे, गरीब थे, बिल्कुल निचले स्तर के लोग थे, उनको ऊपर आने का मौका मिला। और बिहार में खास तौर पर ये बहुत मजबूती से कायम हुआ है, कर्पूरी जी की वजह से बिहार की राजनीति और देश की राजनीति पे परिवर्तन आया। कर्पूरी जी की वजह से बिहार में जो परिवर्तन आया वो परमानेंट नेचर का परिवर्तन आया, वो ये नहीं था कि हवा हवाई आज आया कल खत्म। और इसीलिए कर्पूरी जी के बाद से मंडल जो है वो बिहार में बराबर हावी रहा है कमंडल के ऊपर, और आज भी इस कदम के उठाने के बाद भी उनको भारत रत्न देना एक अच्छी बात है, सबसे बहुत खुशी की बात है, लेकिन भारत रत्न देकर इसका उपयोग चुनाव में करना ये बहुत छोटी हरकत होगी और इसका असर बिहार के ऊपर नहीं पड़ेगा, बिहार की राजनीति को पर इसका असर नहीं पड़ेगा। चलिए सर, आपने आपने आज बहुत सारी चर्चा, बहुत कुछ कहानियां भी सब सुनाई। एक सवाल 10 सेकंड का जरूर मैं पूछूंगा, ये मेरी व्यक्तिगत इच्छा है, ये मैं व्यक्तिगत रूप से जानना चाहता हूं इसलिए पूछ रहा हूं। इस दौर की राजनीति में आज भी मुझे लगता है यशवंत सिन्हा के विचारों की और उनके सक्रिय होने की मुझे लगता है जरूरत है, क्या कहीं किसी दिल दिमाग के किसी कोने में आपके है कि एक बार फिर से विपक्ष को या किसी भी आइडियोलॉजी को एक बार मजबूत करने के लिए आप सक्रिय होंगे? मैं देखिए उम्र दराज हो गया हूँ, अब पूरी तरह से रिटायर्ड लाइफ लीड कर रहा हूँ, आपसे जो मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मैं झारखंड में अपने गांव में बैठा हूँ, मैं एक्टिव नहीं हूँ, अभी एक्टिव नहीं हूँ, और मुझे लगता है कि जो माहौल है उसमें शायद एक्टिव होना भी मुश्किल होगा, तो इसलिए अलग थलग अपना रिटायर्ड लाइफ लीड कर रहे हैं और कुछ पाने की अब कोई चाहत नहीं है। लेकिन हाँ, एक चाहत जरूर अभी भी है और शायद जब तक जिंदा रहूंगा रहेगी, और वो ये है कि देश के हालात के बारे में मैं जानकारी रखता हूँ, देश के हालात के बारे में चिंता होती है,
तो उस चिंता से अपने को हम मुक्त नहीं कर पाते हैं, या आप कमजोरी कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। लेकिन और दूसरा दौर दूसरा है कि मैंने कई दौर में, जब मैं आईएएस में था उस समय भी और आज भी, कई दौर से गुजर चुका हूं। मैं एक छोटा सा, आपने 10 सेकंड 20 सेकंड कहा था, मैं एक उदाहरण देता हूं कर्पूरी जी के बारे में। बिल्कुल, मैं बिंदु रख रहा हूं उसको बिल्कुल स्पष्ट करेगा। कर्पूरी जी एक कट्टर ईमानदार चीफ सेक्रेटरी खोज रहे थे शुरू के दिनों, कट्टर ईमानदार चीफ सेक्रेटरी, और उनकी हमारी चर्चा हुई तो पीएस अप्पू नाम के एक आईएएस ऑफिसर थे बिहार काडर के, उनके ऊपर हम लोगों का ध्यान केंद्रित हुआ कि पीएस अप्पू कट्टर ईमानदार है, उनको मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। कर्पूरी जी, हम लोग राजभवन गए थे किसी काम से, वहां से जब कर्पूरी जी निकले तो हमसे उन्होंने पूछा कि अप्पू साहब कहाँ रहते हैं, जसवंत बाबू अप्पू साहब के यहाँ चला जाए। तो मैं जानता था अप्पू साहब कहाँ रहते हैं, तो अचानक उनके घर हम लोग पहुंच गए, मुख्यमंत्री अचानक अप्पू साहब के घर पहुंच गए, और अप्पू साहब के घर में जब एक आश्चर्यचकित अप्पू साहब से उनकी बातचीत शुरू हुई तो उन्होंने हाथ जोड़ विनम्र निवेदन उनसे किया, अप्पू साहब मैं आपके आया हूँ ये कहने के लिए कि आप कृपया कृपया आप मुख्य सचिव का पद स्वीकार कीजिए। ऐसा कोई करता है? ऐसा कोई आदमी मिले राजनीति में जो कहेगा उनके घर जाकर कि मेरी विनती है, विनम्र प्रार्थना है कि आप मुख्य सचिव का पद स्वीकार करें? क्या बात करते हैं लोग आज के दिन। दूसरा कर्पूरी ठाकुर कब और कहां पैदा होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन कर्पूरी जी जैसा व्यक्ति संसार में मेरे को दूसरा नजर नहीं आया है। चलिए सर, आप हम तो यही उम्मीद करेंगे, आप रिटायर्ड लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप रिटायर्ड हैं, टायर्ड अभी भी नहीं है, और आपसे वैचारिक रूप से कम वैचारिक रूप से मार्गदर्शन मिलता रहे। आप देश की समस्याओं से, देश की ताजा हालात से हमेशा खुद को अपडेट रखते हैं, तो वक्त वक्त पर राजनीतिक रूप से भले आप रिटायर्ड रहें, लेकिन वक्त वक्त पर हमें वैचारिक रूप से जगाते रहें, हमारे साथ चर्चा कभी कभी करते रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।